मैं बिग बॉस से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस के घर में जैसे कि आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं प्रियंका पर इल्जाम लग रहे हैं कि वो अंकित को कंट्रोल कर रही है। और इस बात से पहले तो प्रियंका ने कुछ भी रिएक्ट नहीं दिया था जब उनको कह रहे थे, लेकिन अब जब पानी सिर से ऊपर टप गया है तो कहीं ना कहीं प्रियंका को भी फील होने लगा है। और प्रियंका ने अंकित को नाइट टाइम कहा कि अंकित प्लीज़ तुम अपनी गेम खेलो और प्लीज़ तुम ऐसे मत दिखाओ कि मैं तुम्हें चला रही हूँ, तुम्हें अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए और तुम खुद लेते हो, तुम सबको दिखाते क्यों नहीं है, हर बात पर मुझे ही टारगेट करते हैं लोग, तुम अपने गेम खुद खेलो और प्लीज़ एक्टिव हो जाओ, आपका जहाँ पर इतना टाइम नहीं चलेगा, आप ऐसे नहीं रह सकते, ये बिग बॉस के घर में आए हैं तो आप अपनी गेम खेलिए। मैं नहीं चाहती कि सभी लोग ये समझे कि आप मेरी वजह से उस कंटेस्टेंट के साथ बात नहीं कर रहे हैं जब मैं आपको रोक रही हूँ, आप प्लीज़ सभी के साथ मिलिए, सभी के साथ बैठिए, सभी के साथ बात कीजिए, लेकिन प्लीज़ हैं ऐसा मत कीजिए क्योंकि सब लोग मेरे पर उंगली उठाते हैं जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपको नहीं कंट्रोल कर रही हूँ, मैं आपको आज भी कह रही हूँ कि आप प्लीज़ सबके साथ मिल बैठ कर रहिए। जिस बात को अंकित सुन रहे होते हैं और अंकित कहते हैं कि कोई बात नहीं तूने कह दिया मैंने सुन लिया, लेकिन करूँगा वो मैं जो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे उनके साथ बहना नहीं अच्छा लगता तो मैं नहीं बैठूँगा। आपकी नज़रों में क्या है कि जो प्रियंका अंकित को समझा रही है, क्या अंकित को वो करना चाहिए, क्या निमृत के पास बहना चाहिए, या फिर अंकित अपनी गेम सही खेल रहे हैं, अंकित प्रियंका का साथ दे रहे हैं और अंकित को कहीं ना कहीं प्रियंका के लिए गुस्सा आ रहा है कि निमृत उनके साथ बुरा करेगी तो शायद वो निमृत के साथ ता नहीं बैठ रहे, तो आपको क्या लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। और उनसे जुड़े हर अपडेट के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।